तो दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। खबर आ रही है ईरान से, जहां की सदन में आत्मघाती हमला हुआ है। हमलावर इस संसद में घुसे हुए, तीन हमलावरों के सदन में घुसने की खबर है, तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ईरान से ये बड़ी खबर आ रही है, संसद में दो धमाकों की आवाज सुनाई दी है। बताया जा रहा है कि आत्मघाती हमला हो सकता है। संसद के अंदर फायरिंग की भी आवाज लगातार सुनाई दे रही है। खुमैनी स्मारक पर भी हमला हुआ है। हमारे साथ सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रकाश जी, क्या जानकारी मिल रही है? प्रकाश से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सदन में इस वक्त धमाके और गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। ईरान की संसद के अंदर फायरिंग हो रही है, आत्मघाती हमला हुआ है। अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान की संसद में जो हमला हुआ है, वो चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई है सुरक्षा बलों द्वारा। दो धमाकों की आवाज सुनी गई है, सदन पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, ईरान के सदन में तीन हमलावर घुसे हैं और ये खबर सामने निकलकर आ रही है। कुछ लोगों को बंधक भी बनाया गया, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। खुमैनी स्मारक है जहां पर ये हमला हुआ है, सदन के अलावा खुमैनी स्मारक है जहां पर ये हमला हुआ है। सदन के अंदर तीन हमलावरों के घुसने की खबर, सुरक्षा बल भी रिटालिएट कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को बंधक बनाया गया है, इसलिए सुरक्षा बलों ने पूरे सदन की घेराबंदी कर दी है। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश, क्या जानकारी आपके पास? इस वक्त जो है वहां लगातार फायरिंग चल रही है, संसद के अंदर जो है आतंकवादी घुसे हैं, इसलिए तीन हमलावर घुसे हैं। इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये दो धमाकों की आवाज वहां सुनाई दी है। जो अभी तक जो बताया जा रहा है कि दो धमाके की आवाज सुनाई दी गई है, और साथ ही खुमैनी स्मारक के अंदर भी फायरिंग की खबरें हैं। चारों ओर से घेराबंदी कर दी गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि संसद के अंदर अगर फायरिंग हो रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी रैकी की गई होगी और हमलावर जो है कितने मुस्तैदी सवाल घुसे हैं। और चूंकि वहां पर पूरी तौर पर उन्होंने एक तरह से अंदर पहुंच के सबको बंधक बना लिया है, तो इसलिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो है वहां पर लोगों को बाहर निकाला जाए और इन जो अंदर फायरिंग हो रही है उसको किस तरह से रोका जाए। तो अभी पूरी तरह से मुस्तैदी से सिक्योरिटी फोर्सेज ये कोशिश कर रही कि जो हमलावर है उनको किसी तरह से ट्रैक करके उनको या तो पकड़ लिया जाए या वहीं पर उनके ऊपर काबू पाया जाए। बिल्कुल, तो ईरान की संसद पर आतंकी हमला हो गया, ईरान की संसद के अंदर ये फायरिंग चल रही है, तीन हमलावर घुसे हैं और फायरिंग अभी जारी है जिसको कंट्रोल करने की सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।